नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बताएंगे कि सपने में सांप दिखने के क्या होते हैं खास संकेत। दोस्तों, यदि आपके भी सपनों में सांप आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। मित्रों, लोगों को अक्सर सांप के सपने आते हैं। ऐसे सपने आने के कई कारण हो सकते हैं। अधिकतर सपने इसलिए आते हैं कि ऐसे रहस्य हमने देखे होंगे। अधिकतर सपने हमें हमारी दिनचर्या में किए गए कार्य से प्राप्त होते हैं। मित्रों, सांप और मानव का रिश्ता सृष्टि के प्रारंभ काल से रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में सांप से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सांप को हिंदू शास्त्रों में पूजनीय माना गया है। यह भगवान शिव के गले का हार है और भगवान विष्णु की संज्ञा है। एक ओर सांप को जहां पूजनीय माना गया है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े कई मिथक और शुभ अशुभ लक्षण भी प्रचलित हैं। सांप यदि साक्षात नजर आ जाए तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। यहां तक कि सपने में भी अगर सांप दिख जाए तो व्यक्ति घबरा कर उठ बैठता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं सपनों में सांप दिखने के रहस्य। मित्रों, नंबर एक है, सपने में यदि आप किसी मंदिर में सांप देख लेते हैं या जागृत अवस्था में किसी मंदिर में सांप दिखाई दे जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मंदिर में सांप दिखना इस बात का संकेत है कि आपके मनोकामनाएं निकट भविष्य में ही पूर्ण होने वाली है। और मित्रों, दूसरा संकेत है, यदि आप सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई शुभ घटना होने वाली है। यह तरक्की का भी संकेत है। साथ ही अचानक लाभ या रुका हुआ धन वापस मिलने का संकेत भी माना जाता है। और मित्रों, तीसरा संकेत है, सपने में यदि शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान शिव का आशीर्वाद आने के साथ है और जिस कार्य को पूरा करने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उसे शीघ्र ही सफलता मिलने वाली है। और मित्रों, चौथा संकेत है, यदि कोई निर्धन व्यक्ति सांप को पेड़ पर से उतरते देखता है तो यह उसके लिए शुभ संकेत है। यह प्रबल धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और मित्रों, पांचवा संकेत यह है कि यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और उस समय कोई सांप आपके दाहिने हाथ की ओर से रास्ता काट दे तो यह शुभ होता है। यह इस बात का संकेत करता है कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वह पूरा हो जाएगा। और मित्रों, नंबर छह है, सपनों में मरा हुआ सांप देखना ठीक नहीं है। यह निकट भविष्य में किसी बड़े संकट का सूचक है। इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पांच सोमवार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित करें। और मित्रों, नंबर सात है, कोई धनवान व्यक्ति सपने में पेड़ पर से सांप को उतरते देखे तो यह उसके लिए बड़ी धनहानि का संकेत है। ऐसा सपना देखे तो आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक।